हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट धनवंत पाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक से होंगे। वीडियो का थंब देख के पता लग ही गया होगा, आज हम एक्सेल में एज कैलकुलेटर बना रहे हैं। लेकिन इसमें कौन सी बड़ी बात है? एज कैलकुलेटर तो नॉर्मली एक्सेल में बनी जाता है, लेकिन हम इसमें एक यूनिक वर्क करेंगे। हम इसमें एज कैलकुलेटर के साथ एक पिक्चर ऐड करेंगे और एज के साथ उस पिक्चर को अटैच करेंगे। अगर किसी की एज 1 साल से कम है तो उसमें एक छोटे बच्चे की पिक्चर आ जाएगी, और अगर किसी की एज 1 साल से ऊपर है और 8 साल के बीच में है तो एक बड़े बच्चे की फोटो आ जाएगी। इस ट्रिक को इस ट्यूटोरियल में हम लोग सीखेंगे, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले तो हम एक फॉर्मेट तैयार करते हैं और इस फॉर्मेट का टाइटल दे देते हैं एज कैलकुलेटर। थोड़ा सा कलर अप्लाई कर देते हैं और यहाँ एक स्टेटमेंट लिख देते हैं, एंटर योर डेट ऑफ बर्थ। जब हम एंटर योर डेट ऑफ बर्थ लिख देते हैं, उसके बाद ये हमारा इनपुट सेल है। इस इनपुट सेल में किसी की भी डेट ऑफ बर्थ टाइप कर देते हैं। हमने 12 जन 2007 टाइप किया है। उसके बाद एक आउटपुट सेल चूज़ करते हैं और इस सेल के अंदर एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। हमारा जो फॉर्मूला है वो डेट से रिलेटेड फार्मूला है और फार्मूले का नाम है डेटेड इफ़ B2। यहाँ पर हमने जो B2 लिया है वो हमने सेल का रेफरेंस लिया है जिसमें हमने डेट ऑफ बर्थ इनपुट किया है। सेल का रेफरेंस लेने के बाद हमने कॉमा यूज़ किया है, कॉमा लगाकर टुडे यूज़ किया है। यहाँ पर जो टुडे हमने लिया है ये करंट डेट के लिए लिया है, ताकि जो डेट ऑफ बर्थ है हमारी उसका जो ईयर है वो आज तक की डेट का मिल जाए हमें। उसके बाद हमने इन्वर्ट कॉमा के अंदर वाई यूज़ किया है। वाई हमारा फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट के जरिए हम ईयर को मेंशन करते हैं, ताकि जब हम एंटर करें तो हमारे सेल के अंदर इस एज से लेकर अब तक की एज का ईयर आ जाए। जैसे हम इसको एंटर करते हैं, एंटर के बाद हमारे पास यहाँ पर इसका ईयर आ जाता है, मतलब कि 12 जनवरी 2007 से लेकर अब तक इस पर्सन की जो एज है वो 15 साल हो चुकी है। और अगर मुझे इसका मंथ पता करना है तो मैं सेम स्टेटमेंट को कॉपी करके इसमें पेस्ट करता हूँ और जहाँ पर मैंने वाई मेंशन किया है उस वाई के साथ एम मेंशन कर देता हूँ। इसका मतलब है मंथ ऑफ ईयर, मींस कि जिसकी हमने डेट ऑफ बर्थ इनपुट की है वो कितने मंथ्स का हो चुका है, वो 11 मंथ का है। फिर हम इसे कॉपी करते हैं, हम इसको पेस्ट कर देते हैं। इस बार मैं थोड़े से चेंजेस और करूंगा। इस बार मैं वाई को हटाकर एम के आगे डी प्रेस कर दूंगा। इसका मीन्स कि इसका मतलब इस व्यक्ति की जो टोटल डेज हैं वो 15 होंगे। कहने का मतलब है कि ये व्यक्ति टोटल 15 साल 11 महीने 15 दिन का है। हम इसका टाइटल टाइप कर देते हैं, ईयर्स मंथ और डेज। इसके बाद हम सेकंड शीट पर जाते हैं। सेकंड शीट पर जाने के बाद फर्स्ट कॉलम को सिलेक्ट करते हैं। फर्स्ट कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट में गए। फॉर्मेट में हमने रॉ हाइट पर क्लिक किया। यहाँ रॉ की हाइट हमने 80 दे दी। रॉ की हाइट 80 देने के बाद आपका जो रॉ है उसका साइज़ इंक्रीज हो गया 80 पॉइंट्स। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर कुछ पिक्चर्स को ऐड करना है, क्योंकि हमने फॉर्मूले के हिसाब से पिक्चर्स को ऐड करना है, तो हम कुछ पिक्चर्स को ऐड करते हैं जो एज वाइज दी गई हैं। इन पिक्चर्स को हमने ऐड किया और उसके बाद इन पिक्चर्स को अकॉर्डिंग टू सेल हमने सेट कर लिया। इनको छोटा किया, इनका साइज़ को कम किया, और साइज़ को कम करने के बाद अपने सेल्स के साथ इसको अलाइन कर लिया। इस कमांड में इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो आपकी पिक्चर्स होनी चाहिए वो सेल के अंदर होनी चाहिए, सेल से बाहर नहीं। जो जो सेल मैं इनको प्रोवाइड करूंगा उस सेल के अंदर अंदर इन पिक्चर्स को रखना है। आपने पिक्चर्स को इन सेल्स के अंदर रख दिया और सबका साइज़ सेल के हिसाब से सेट कर लिया। जब सारी पिक्चर्स आपकी सेट हो जाती हैं, मैं यहाँ पर अपनी वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, ताकि ये जो अलाइनमेंट्स हैं क्विकली हो जाएं। पिक्चर सेट हो जाने के बाद आपने हर पिक्चर के लेफ्ट साइड में इनके नेम को मेंशन कर देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर हर पिक्चर के आगे उनका नंबर मेंशन कर दिया, 1, 2, 3, 4, 5
और 6। हर पिक्चर के फ्रंट पर मैंने इनका नाम मेंशन कर दिया है। उसके बाद हम पिक्चर वाले कॉलम से लेकर अपने नंबर वाले कॉलम तक सारे सेल्स को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन में जाएंगे, जो कि फार्मूला में है। यहाँ पर दो टिक मार्क लगे होंगे, इसमें जो टॉप रो है उसका टिक हटा देंगे और राइट वाले कॉलम के टिक को लगा रहने देंगे और ओके कर देंगे। अब आप देखोगे कि जिस सेल में मैंने जिस पिक्चर को एडजस्ट किया है, उस पिक्चर का जो नेम है ऑटोमेटिकली डिफाइन हो गया। इसका नाम 1 हो गया, इसका नाम 2 हो गया, इसका 3, इसका 4, इसका 5। तो ऐसे हर सेल का अपना अपना नेम डिफाइन हो गया। अब हम क्या करते हैं, एक ब्लैंक सेल लेते हैं, इस ब्लैंक सेल में इसका नेम डिफाइन कर देते हैं, नेम डाल देते हैं ABC। उसके बाद एक और ब्लैंक सेल सेलेक्ट करते हैं, इसको कॉपी करते हैं और दूसरे सेल में जाकर राइट क्लिक करते हैं और पेस्ट इमेज एज ए लिंक पर क्लिक कर देते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक ब्लैंक इमेज आ जाएगी। अब क्या करना है, जिस सेल को आपने नेम डिफाइन किया था ABC, उसको सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद नेम मैनेजर में जाना है। यहाँ पर आपने नेम ABC को सेलेक्ट करना है और रेफर्स टू वाले सेल में जाकर एक फॉर्मूला अप्लाई करना है। यहाँ लिखना है रीडायरेक्ट, उसके बाद ब्रैकेट और लास्ट में ब्रैकेट क्लोज, उसके जस्ट बाद अप्लाई करना है और क्लोज कर देना है। अब आप यहाँ पर 1 टाइप करेंगे और 1 टाइप करने के बाद पिक्चर वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे। पिक्चर वाले सेल को सिलेक्ट करने के बाद आप फॉर्मूला बार में जाएंगे, जहाँ पर जिस सेल का नाम आपने ABC लिखा था वही सेम रेफरेंस आप टाइप करके एंटर कर देंगे। अब देखिए, आप सेल में अगर 1 टाइप करेंगे तो फर्स्ट पिक्चर आ रही है, अगर आप 2 टाइप करते हैं तो सेकंड पिक्चर आ रही है, 3 टाइप करते हैं तो थर्ड पिक्चर आ रही है, 4 टाइप करते हैं तो फोर्थ पिक्चर आ रही है। तो यहाँ पर हमारी जो एक कमांड है वो क्लियर है, हम लोग जिस भी नंबर को टाइप करेंगे वो पिक्चर यहाँ पर आ जाएगी। अब हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं। अब हम क्या करते हैं, अपनी पिक्चर को कॉपी करते हैं और उस पिक्चर को शीट 1 पर पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद आप अपने आउटपुट रेफरेंस को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर 1 टाइप करेंगे। जैसे ही आप 1 टाइप करेंगे आप देखेंगे कि शीट 1 पर भी पिक्चर चेंज हो चुकी है। अब हम एक ब्लैंक सेल लेंगे और इस ब्लैंक सेल के अंदर एक इफ स्टेटमेंट टाइप करेंगे, इक्वल टू इफ B5 लेस देन 1 कॉमा इनवर्ट कॉमा 1 कॉमा इफ B5 लेस देन 8 कॉमा इनवर्ट कॉमा 2 कॉमा इफ B5 लेस देन 16 कॉमा इनवर्ट कॉमा 3 कॉमा इफ B5 लेस देन 32 कॉमा इनवर्ट कॉमा 4 कॉमा इफ B5 लेस देन 100 कॉमा इनवर्ट कॉमा 6 ब्रैकेट बंद और एंटर। ऐसा करने से क्या होगा, आपके पास एज के हिसाब से 1, 2, 3, 4, 5 काउंटिंग आ जाएगी। मींस कि अगर किसी की एज 12th जैन 2003 है तो वह 19 साल का हुआ और यहाँ पर 4 लिखा आ गया। और अगर किसी की एज 12 जनवरी 2022 है तो यहाँ 0 ईयर आ गया। अब शीट 2 पर चलते हैं, यहाँ इक्वल टू प्रेस करते हैं और शीट 1 में आकर अपना इफ कंडीशन वाला सेल चूज करते हैं और एंटर कर देते हैं। इससे क्या होगा कि शीट 2 का जो इनपुट सेल है शीट 1 के इफ वाले सेल से कनेक्टेड हो जाएगा। अब हम यहाँ पर जो भी चेंज करेंगे वो चेंज वहाँ भी होगा, मीन्स कि यहाँ पर हम कोई भी एज डालेंगे उस एज के हिसाब से ये पिक्चर भी अपने आप चेंज होना शुरू हो जाएगी। आप कोई भी एज डालिए, जैसी भी आप यहाँ पर एज टाइप करेंगे वहाँ पर ये पिक्चर चेंज होना शुरू हो जाएगी। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आपके सभी दिन मंगलमय हों।